दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग ने वातावरण को तो खराब किया ही है, पर अब इसका सीधा असर हमारे खाने की वस्तुओं पर भी पड़ रहा है। जी हाँ, वातावरण में लगातार बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे अनाज के पोषक तत्वों को भी खत्म कर रहा है। इसकी वजह से चावल, गेहूँ, जौ जैसे मुख्य अनाजों में प्रोटीन की मात्रा कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कार्बन उत्सर्जन की यही स्थिति रही तो विश्व भर में लगभग 15 करोड़ लोग इस नई वजह के चलते प्रोटीन की कमी का शिकार हो जाएंगे। इन 15 करोड़ लोगों में 5.3 करोड़ लोग भारतीय होंगे। ये दावा हार्वर्ड पीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में किया है।